फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो आपने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे वो तो थे बेसिक क्वेश्चन। आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़े अलग हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई दो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 24 सेकेंड एवं 27 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर एवं 200 मीटर हो तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टाइम ले रही है ट्रेन, जो एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पहले कितने सेकंड का टाइम ले रही है, 24 सेकंड का, और दोबारा कितने का ले रही है, 27 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद हमें जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लंबाई ये क्या, ये तो हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, एक 24 सेकंड और एक कितना है, 27 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद जो ये लंबाई दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, लंबाई एक दे रखी है 150 और दूसरी दे रखी है 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, हम निकालना है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें टाइम दे रखा है टाइम का क्या ले लेंगे, डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। दोनों का डिफरेंस कितना है, 27 में 24 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 3। और फिर क्या करेंगे, जो हमें लंबाई दे रखी है किसकी प्लेटफॉर्म की, हम इसको भी आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 50। क्यों, 200 में से जब मैं इसको घटाऊंगा, क्या कहते हैं, 150 को 200 में से घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मैंने निकालना क्या है, चाल निकाल लिया मैंने किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो इसका अंतर कितना है, 50। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो उनके बीच का दूरी का अंतर है वो लिख लेंगे 50/, जो उनके समय का अंतर है कितना है, 3। मैंने बदलना है इसको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी चीज़ को मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड से अगर इस चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 18/5 से इसकी गुणा कर देता हूँ। 3 से इसे काटूँगा कितने बार कटे, 6 बार, 5 से इसे काटूँगा 10 बार, 6 दशम कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो क्या आ जाएगी इसकी चाल। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, जो हमारा समय दिया होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई दो रेलवे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड और 27 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देर की, एक की 150 दी है और दूसरे की 200 मीटर दी हुई है, तो हमने निकालना क्या, ट्रेन की चाल निकालनी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समय दिया हुआ है इनका अंतर ले लेंगे, कितना आएगा, 3। और फिर जो हमें दूरी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दे रखी है, उसका अंतर लेंगे कितना आ रहा है, 50। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए जो हमें हमारा क्या कहते हैं, उनकी लंबाइयों का जो अंतर है उसके बट्टे में किसको रख देंगे, समय को। और हमने निकालनी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालनी है। तो किलोमीटर मीटर से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम चाल निकालेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारी चाल कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन को 1 मिनट में क्या करती है, पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखना हमने क्या ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। देखो पहले क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी चाल देखना, पहले की कितनी है, ए की कितनी है और बी की कितनी है, हम लिख लेते हैं 90 और इसकी कितनी है, 66। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो एक तेज और एक हल्की चल रही होगी, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोवर ट्रेन को कितनी देर में पार कर दे रही है, 1 मिनट में पार कर रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई हमें कितनी देर की, 150 मीटर, तो हमने क्या करना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई की निकालनी है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी दोनों की क्या होगी, लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी, यानी क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ठीक है, तो हमें दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 150 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई को हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू, चाल हमें किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, हम इसे किस में बदलेंगे, मीटर में। तो क्या करेंगे, 5/18 गुणा, ठीक है, सॉरी गुणा हटा देना। ठीक है, और क्या कह रहा है उसके बाद, फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन को कितने, 1 मिनट में पार कर, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। ठीक है, इसको काट देते हैं, अब कितनी बार कटे, 6 से काटता हूँ, 3 बार, ये कटेगा कितनी बार, 10 बार।
तीन से मैंने इसे डिवाइड करा, कितनी बार जाएगा, 3 8 24, ठीक है, इन सब की गुणा कर लेता हूँ, 8 5 40, 40 से शाम की कितना हो जाएगा 400, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था, 150 प्लस एक्स, हमने निकालना क्या है, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स को हम यहीं रोक लेंगे, 150 को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे, 400 में से जब मैं 150 को घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 250 मीटर, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 150 250 मीटर, ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूँ, जो हमें चाल सी होंगी यानी कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो चल कहाँ रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या करेंगे, एक ही दिशा में जब चल रही हैं तो उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन को कितने मिनट में पार कर रही है, 1 मिनट में पार कर रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर दे रही है, यानी एक ट्रेन की लंबाई हमें 150 दे रखी है, तो हमने दूसरी की ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो हमने 1 मिनट में पार कर रही है, तो 1 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लें, 60 सेकंड में बदल लेंगे, तो कितने सेकंड हो जाएंगे 60, उनका अंतर कितना आया था 24, तो जब हमने दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो एक ट्रेन को हमने क्या माना, एक ट्रेन को हमने एक्स मान लिया और दूसरी की लंबाई हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, इसको इस सूत्र में इसका मान रखेंगे तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी दूसरी ट्रेन की 250 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा इससे और डिफरेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरे क्वेश्चनों में कोई आपको लग रहा है कि आप कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, तो आप उसमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू दोस्तों।